Hello friends, myself Dr. Satyendra Tripathi. I am working as an assistant professor and I have already qualified UGC NET and ICR NET. Today, I am going to deliver a lecture on how can we gain high marks in UGC NET first paper. दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं नेट का एग्जाम जो है ऑल इंडिया लेवल पे होता है जो कि काफी बड़ा एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं दोस्तों ये नेट के बारे में मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करना चाहता बिकॉज मेरे चैनल पे आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं एक लेक्चर में ऑलरेडी उस पर अपलोड कर चुका हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और भी डिफरेंट थिंग्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेआरएफ एंड नेट एंड एटसेट्रा यू कैन सी इन माय प्रीवियस लेक्चर दोस्तों आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले टाइम में और भी जो मैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा जो शायद आपके लिए जो काफी यूजफुल हो सकता है प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं कि सबसे पहले तो यूजीसी नेट जो है अभी तक यूजीसी नेट जो है सीबीएसई कंडक्ट कराती आई है और फ्यूचर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब एनटीए कराएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोस्तों ये यूजीसी नेट जो होता है दो पेपर होता है जिसमें फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल नॉलेज का या बोल सकते हो जनरल अवेयरनेस का होता है जिसमें 10 सेक्शंस होते हैं या बोल सकते हो आप कि 10 एरियाज होते हैं जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता रहता है कि आखिर ये जो फर्स्ट पेपर में है क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि किन किन फील्ड से जो है ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूजीसी नेट दो पेपर होता है फर्स्ट पेपर जो आपका 50 क्वेश्चन होता है और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और वैसे ही जो आपका सेकंड पेपर होता है वो पूरे सब्जेक्ट का होता है 100 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और वो भी टोटली जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और सारे क्वेश्चन अपने को करना कंपलसरी होता है लेकिन आज का जो मेरा लेक्चर है बेसिकली फर्स्ट पेपर के लिए है तो आज मैं केवल वो फर्स्ट पेपर को ही फोकस करूंगा दोस्तों ये जो मैंने बताया कि पूरा पेपर जो 50 क्वेश्चन है ये ओवरऑल जो है 10 सेक्शंस होते हैं या बोल सकते हो 10 पार्ट होते हैं जिनमें से 10 पार्ट के सबसे पहले तो मैं आपको उन टॉपिक से फैमिलियर करा दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर किन किन फील्ड से 10 क्वेश्चन या आखिर ये 50 क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है रिसर्च एप्टीट्यूड होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है कम्युनिकेशन होता है फिर पांचवा जो है आपका रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स मैथमेटिकल रीजनिंग बोल सकते हो फिर सिक्स्थ जो सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का होता है सेवेंथ जो है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एट्थ वन इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या उसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो कि आईसीटी देन पीपल एंड एनवायरमेंट और दसवां जो होता है हायर एजुकेशन सिस्टम इट मीन्स कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें बेसिकली जो है गवर्नेंस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो दोस्तों ये तो हो गई बात जो है कि किन किन सेक्शन से सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्तों हम लोग पूरा ये सारी चीजें पढ़ तो लेते हैं बहुत पढ़े रहते हैं बहुत मेहनत किए होते हैं लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो पूरे अच्छे ढंग से हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाते क्योंकि आप जानते हैं केवल इसमें जो है आपके पास फर्स्ट पेपर के लिए 60 मिनट है और 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वही 60 मिनट में तो काफी कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं तो दोस्तों उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको किन सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और किन सेक्शंस को बाद में करना चाहिए सबसे पहले तो फ्रेंड जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं या बोल सकते हो कि जो क्वेश्चंस एक बार एक नजर में आप देख करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ इन क्वेश्चंस को मैं तुरंत कर सकता हूँ तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले तो आपको उन क्वेश्चंस को ही करना चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे अराउंड जो है पूरे पेपर में आई थिंक 30 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन है जो कि मेमोरी बेस्ड या फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगा करके उन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो जैसे कि वो क्वेश्चंस किन किन पोर्शन से आते हैं जैसे
पहला सेक्शन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आप इजीली कर सकते हो, दूसरा जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरमेंट, एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन सेक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप इजीली कर सकते हो। देन उसके बाद आपको जो है बाकी जो सेक्शंस बच रहे हैं, चार सेक्शन, जैसे कि रीजनिंग वाला पोर्शन है, बाकी जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक करके होता है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो ये जो क्वेश्चंस, ये जो सेक्शंस हैं इनमें काफी आपको टाइम लगता है, या बोल सकते हो टाइम टेकिंग ये क्वेश्चंस होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बाद में अटेम्प्ट करो। जैसा कि मैंने बताया कि 30 क्वेश्चन आप शुरू के जो है पहले यदि कर लेते हो, तो जब 30 क्वेश्चन आप कर लोगे तो काफी कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन मान लो आपने किया, उसमें से आपके यदि 25 क्वेश्चंस भी आपने सही कर लिया, और बाकी जो है 20 क्वेश्चंस जो आपके ये लॉजिकल रीजनिंग के हैं, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के हैं, इन सारे जो सेक्शन से आप क्वेश्चंस करते हो, सपोज करो यदि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से यदि 10 क्वेश्चन भी कर पाए, तो 10 क्वेश्चन भी आपने यदि सही कर लिया, तो ओवरऑल आपके 35 क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। इट मींस कि आप ओवरऑल 50 क्वेश्चंस में से बोल सकते हो कि 35 कितना 70% आपके मार्क्स होंगे, तो 70% आराम से आप गेन कर सकते हो। तो कभी भी क्वेश्चंस करते समय जो है इन चीजों का विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप जब हम लोग क्वेश्चन पेपर जैसे ही पाते हैं, शुरू से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चंस को देखना चाहिए। या जैसा मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं अपने यदि एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं तो लास्ट से ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करता हूँ। 50 क्वेश्चन से पहले मैंने देखा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू में सपोज करो आप डेटा इंटरप्रिटेशन या रीजनिंग के क्वेश्चंस दे दिए, या फिर कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, तो इन सब में आप शुरू में ही काफी टाइम आपका चला जाता है और फंस जाते हो, और बाकी के क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आप 35 क्वेश्चंस तक जाते जाते आपका टाइम अप हो गया और बाकी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले जो है पीछे के भी क्वेश्चन एक बार देख लो, शायद हो सकता है कि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर इजिली आप उनको देख करके एक बार में कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को आप पहले फोकस करो और उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो, तो आई थिंक इस तरह से आप स्ट्रेटजी बना के यदि चलते हो और वो 60 मिनट आपने काफी अच्छे ढंग से यदि यूज किया, तो आई थिंक आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो और आप मोस्ट प्रोबेबली JRF क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज आप जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट वाला पेपर होता है, सब्जेक्ट तो सबका इन जनरल जो है स्ट्रांग ही होता है, बट फर्स्ट पेपर में क्या होता है बहुत बार मार्क्स जो है कम आते हैं, तो फर्स्ट पेपर को यदि आप स्ट्रांग कर लो तो बाकी आप निश्चित रूप से JRF क्वालिफाई कर सकते हो। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द UGC नेट एंड JRF एस्पायरेंट्स। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर मोर एंड लाइक्स। थैंक यू सो मच।